गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सरकार के कर्ज लेने पर कमलनाथ के सवाल उठाने पर कहा कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए लोन ले रही है, किसानों के लिए लोन ले रही है। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में 15,000 करोड़ का लोन लेकर सलमान खान और जैकलीन पर खर्च करने की तैयारी थी। इन्हें कर्ज पर सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है, इन्होंने बेरोजगारों को धोखा दिया है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कर्ज के सवाल पर कहा कि भाजपा की सरकार विकास के लिए लोन ले रही है, कर्ज किसानों के लिए ले रही है। उन्होंने कहा इस तरह के सवाल कमलनाथ को उठाना शोभा नहीं देते। कमलनाथ 15,000 करोड़ का लोन लेकर सलमान खान और जैकलीन पर खर्च करने की तैयारी में थे। 15 महीने में जिनने 15,000 करोड़ का लोन लेकर आईफा अवार्ड पर जैकलीन और सलमान पर खर्च करने के प्रोग्राम बनाए हो, वो एक विकसित से विकास, विकासशील से विकसित प्रदेश बनने के लिए लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन, किसान के लिए लोन, रोजगार के लिए लोन के ऊपर उंगली उठाने का उन्हें क्या अधिकार है? उन्हें क्या अधिकार है जिनने किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का? नरोत्तम मिश्रा ने कहा दिग्विजय सिंह की पीड़ा अजीब है। कमलनाथ ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया। दूल्हा बनकर तैयार खड़े हुए थे दिग्विजय, कमलनाथ घोड़ी खोल कर ले गए। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका यूं ही चलती रहेगी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की आरक्षण बचाओ यात्रा पर मिश्रा ने कहा चुनाव आते ही कांग्रेस को आरक्षण SC ST के मतदाताओं की याद आ जाती है। चुनाव के समय ही उनके लिए यात्रा निकालने का आयोजन कांग्रेस करती है। चुनाव खत्म होते ही वह इन सब मुद्दों को भूल जाती है। मतदाता समझदार हो गया है, अब कांग्रेस को वोट नहीं मिलने वाला। कांग्रेस के प्रकोष्ठ पर उन्होंने कहा जिस तरीके से कांग्रेस के 40 प्रकोष्ठ का हश्र हुआ है उसी तरीके से इस प्रकोष्ठ का भी हश्र होने वाला है। दरअसल कमलनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नहीं बना, वो दूल्हा बने तैयार खड़े थे, ये घोड़े खोल ले गए थे। तो ये पीड़ा है, अब कहीं तो निकलेगी। और जब पीड़ा सामने आ रही है तो बड़े भाई का जो दावा करते थे कमलनाथ जी, अब ये पीड़ा इस समय दोनों भाइयों में दिग्विजय सिंह भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये पीड़ा उनकी इस पोस्टर के माध्यम से निकल रही है। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सीगत सबकी जानी, ये इनकी राजनीति का ट्रैक है कांग्रेस का। चुनाव आते ही ये कभी संविधान की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी हरिजन एक्ट की बात करते हैं, और चुनाव समाप्त होते ही ये तीनों बातें भूल जाते हैं। चुनाव खत्म तो इनकी ये बातें खत्म। ऐसे इन्होंने बहुत SC के लोगों के वोट ले लिए, अब SC का मतदाता बहुत समझदार हो गया है और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बैठा है। पिछली बार उनके वोटों से सरकार बनाने में जो सहूलियत मिली थी और उसके बाद इनने एक केस नहीं हटाया SC के बंधुओं पर, उन पर केस लगातार चलते रहे, तो ये सब लोगों ने देखा है SC के बंधुओं ने, और इसलिए इनकी अब ये जादूगरी नहीं चलने वाली। जो 40 प्रकोष्ठों का हाल हुआ है वो 41वें प्रकोष्ठ का हाल होगा उनके। कांग्रेस बेहाल है और इस बेहाल पार्टी को मेरे ख्याल से तो अब कोई बचा पाएगा नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने खंडवा में दुष्कर्म की घटना पर कहा यह बहुत दुखद घटना है, बच्ची को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया है, अभी इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। मिश्रा ने कहा समाज के अंदर विकृत मानसिकता है, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने फांसी का कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फिंगर टेस्ट पर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में 2 फिंगर टेस्ट को लेकर गाइडलाइन जारी की है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, अभी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको रिफर करके एडमिट कराया है, स्टेबल है, सुधार हो रहा है। ये विकृत मानसिकता है, इसमें समाज के अंदर जागरण की भी आवश्यकता है। आप देखेंगे कि ये जो बच्चियों के साथ हो रहा है ये उनके समाज के, परिवार के सगे संबंधी पड़ोसी ये सब हैं, और समाज के अंदर जो बहिष्कृत करने जैसी बातें, समाज के अंदर जागरण जैसी बातें, समाज को जागरूक करने वाली बातें समाज को आना चाहिए। कानून तो मध्य प्रदेश सरकार ने फांसी का बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट के हर निर्देश का अक्षर से पालन मध्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा। नारी की अस्मिता और गौरव को किसी भी स्थिति में ठेस मध्य प्रदेश में हम नहीं पहुंचने देंगे।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।